आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में अराजी के तनाजे के मामले में चर्चा और तायरे भाइयों में झड़प। तफसलात के मुताबिक सर्वे नंबर 148 की 30 गुंटस अराजी जो बालापुर गांव सरूर नगर मंडल में आती है, इस झड़प में फिरासत अली खान नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए ओस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। फिरासत खान की मां सिराज उनीसा का कहना है कि यह हमला उनके देवर के लड़कों ने किया है। उन्होंने कहा कि सुलह के बहाने उनके लड़के को बुलाया गया और कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत करते हुए वहां पर तामीरी काम किया जा रहा था, जिसे रोकने पर यह वाकया पेश आया। इस झड़प में गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। पहाड़ी शरीफ पुलिस इस मामले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। देखे यह रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज़ 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। मेरा नाम है सिराज उनीसा। मेरे दो लड़के विजारत अली खान, फिरासत अली खान, फिरासत अली खान को मार के ज़ख्मी कर दिए, बहुत कत्तों से मारे लोग। और जो है सो आज ईद का मौका है, अच्छा दिन है, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे अपन बोल के बुला के ये हमला कर दिए बच्चे के ऊपर। एक बच्चे को, छोटे बच्चे को किडनैप करके ले के चले गए ये लोग। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जाना बोल के इन लोग दीवार उठा रहे, गेट लगा रहे तो हमारे बच्चे मुदाखलत करे, नहीं लगाना, आप जाना बोले तो इन लोग मारम पीटी करना शुरू कर दिए मेरे बच्चों को। कॉम्प्रोमाइज़ को कौन बुलाया मां? कॉम्प्रोमाइज़ को इमरान अली खान, इरफान अली खान, खालिद टैंकर, खालिद इन लोग, नईम और इद्रीस ये लोग सब। ये है कौन? धोखे से बुलाया जी? हाँ, धोखे से बुला के मेरे बच्चों को ऐसा करे हमारे से नहीं जी। ये मेरे देवर के बच्चे है। पुलिस में कंप्लेंट करें? इससे पहले? हाँ, इससे पहले कई वक्त करे हम लोग पुलिस में। कुछ फायर हुआ था क्या? कुछ जी हाँ हुआ था। ये लड़ाई किस बात से हो रही? जमीन के बारे में हुई, जमीन के लिए। हमारी जमीन है, हालांकि कोर्ट बैंक में मॉर्टगेज है जमीन। ये बच्चा आपका है? जी हाँ। ये नाम क्या है? किनका? फिरासत अली खान है। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ये जमीन कहाँ पर है? पहाड़ी शरीफ। अब इनकी तबीयत कैसी है? क्या है? बहुत सीरियस है बच्चा अब मेरा, उस्मानिया हॉस्पिटल में है। अब पुलिस क्या बोली आपको? पुलिस अब क्या वही बोल रही है अभी, क्या है उन लोगों के माफी बोल रहे थे, कहीं को गए आप लोग किधर गए बोल के ऐसा। अब हम आए कंप्लेंट लिखाए तो आप लोग कहीं को, हालांकि हमारे को बुलाए उन लोग, बुला के कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपन, बात कर लेंगे, अच्छा मौका है बोल के। आज जगने की रात और जो है सो दो दिन कुछ। मेरा नाम सिराज उनीसा बेगम है। हमारे को इंसाफ दिलाइए, हमारी जान का धोखा है। हाँ, तेलंगाना स्टेट से बोल रही मैं, चंद्रशेखर राव साहब से बोल रही, सीएम साहब से मैं, कि ये हमारे बच्चों को, मेरा, हमारे घर वालों का, सबका जान का धोखा है ये। सविता इंदिरा रेड्डी मैडम और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये आप लोग इंसाफ करिए इस मामले में असद साहब से। 13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुड्डी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो ज़रूर आइए, आप आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। प्ले जोन एरिया भी है और शॉपिंग के बहुत अच्छे स्टॉल लगने वाले। अगर आपके पास पैसे है और आप इस उलझन में है कि उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें या उनसे कौन सा बिजनेस शुरू करें, तो आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए आ गया है वीडियो एक्सप्रेस। वीडियो एक्सप्रेस एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको माहिर व तजुर्बेकार बिजनेसमैन छोटे बड़े बिजनेस के आइडियाज़ देंगे, जिससे छोटी हो या बड़ी रकम आप अपने समझ का बिजनेस शुरू कर पाएंगे और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। वीडियो एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए वीडियो एक्सप्रेस को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।